अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा का तड़का। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ। आप इसको सुनेंगे तो बड़े ही हैरान रह जाएंगे, और ये मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा, मैं अपने लिए ही बनाने बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो आजकल ये हर किसी का मसला है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं बिकॉज नींद पूरी नहीं होती है, रात लेट नाइट सोना और फिर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो डार्क सर्कल्स हो ही जाते हैं। मम्मीज़ के तो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि रात में बच्चे सोने नहीं देते हैं, दिन में घर के काम होते हैं, तो भाई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जैसे मुझे हो गए। तो मैंने भी सोचा कि मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, पहले भी मुझे हुए थे तो मैंने यूज़ किया था, ये मुझे काफ़ी अफेक्ट करके गए थे, तो मैंने कहा दोबारा अब हो गए हैं तो दोबारा बना लेते हैं। तो मैं अपने लिए बनाने बैठी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ यानी अपनी YouTube फैमिली के साथ भी इस रेमेडी को शेयर किया जाए। ये 110% वर्क करती है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये रेमेडी। तो इंशाल्लाह चलते हैं बनाते हैं। ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, जो इसमें चीज़ें हैं वो हमारे घर में मौजूद होती हैं, तो हमें बाज़ार से भी इतना कुछ लाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, तिब्बत स्नो क्रीम, स्नो होनी चाहिए, सिंपल वाली नहीं, तिब्बत स्नो क्रीम हमने ये लेनी है। ठीक है, कितनी लेनी है आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये हमने लिया है टेबल स्पून, ये हमने ले ली बस इतनी, हाफ टी स्पून। ठीक है, अच्छे से निकाल देंगे इसमें से, हाफ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा एलोवेरा जेल, ये जो मैंने घर में बनाया था ये वही है। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा और ले लिया था, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर स्नो तिब्बत क्रीम, ये वाली थी, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो एलोवेरा जेल था वो ले लिया, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रेमेडी आपने बना के नहीं रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बस आप 2 से 3 दिन इसके लिए बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, बेहतर है कि आप इसको रोज़ बनाएं और रोज़ लगाएं। ठीक है, अभी हमने व्यून का कैप्सूल ले लिया है, विटामिन ई का कैप्सूल ले लें। ठीक है, इसको ऐसे खोल लेते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, पिन मार के आप इसमें खोल दें। अब इसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, 2 से 3 ड्रॉप बस, 1 2 3, इससे ना हमें ड्रॉप निकालने में आसानी रहती है, जिसका अगर हम इसको कैंची से काट लेते हैं ना, फिर इसको हम फ्रिज में रख भी नहीं सकते और ना ये गिर जाता है। अब ऐसे रखेंगे ना, अब ये बच गया है ना, हम इसको फ्रिज में रख देंगे, किसी और रेमेडी में हमारे काम आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स, स्पून से मिक्स नहीं कर दूँ, आवाज़ आती है किच 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 किच, वो ना अजीब सी इरिटेट करती है, तो जो अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने हाथ से इसको करना पसंद किया। ठीक है, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने भी थोड़ी सी ही बनाई है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन ये यूज़ करूँगी, फिर अगेन नहीं बनाऊँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से यूज़ किया करें, करिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में ना फीडबैक बताइएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, 110% मैं कह रही हूँ ना भाई, 110%। ठीक है, ये ऐसे कर लें आप। ठीक है जी, मैंने अच्छे से इसको देख लें आप, मिक्स कर लिया है। ठीक है, कोई लम्स शम्स नहीं है इसके अंदर, आराम से हमने इसको अच्छे से मिक्स 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 कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको या तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, या फिर हम किसी जार में, कोई बॉटल हमारे पास खाली है, हम उसमें डाल के इसको रख देंगे। अब इसको लगाना कैसे, ये आपने ली थोड़ी क्रीम, ये आपके डार्क सर्कल का हिस्सा, ठीक है, ये समझे आपका डार्क हिस्सा वाला है, या आपके डार्क सर्कल है, आपने इसके हल्के हाथों से ऐसे 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 करके मसाज करना है आपने। ठीक है, ये देखें, ऐसे 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 आप मसाज करेंगी, जब ये पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, ऐसे आराम से आपने हल्के हाथों से दोनों साइड ऑब्जॉर्ब करने के बाद आपने इसकी एक मोटी सी लेयर लेनी है और इसको अप्लाई करना है दोनों आँखों के नीचे डार्क सर्कल के पास। ठीक है, उसके बाद आपने खर्राटे लेके आराम से सो जाना है, 10 दिन तक आपने रेगुलर यही करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। चले जी, रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।